हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू स्पाइसी रिएक्शन। तो सभी का स्वागत है जी अपने चैनल पर। और आज हमारे पास जो वीडियो भेजा गया है, पाकिस्तानी व्लॉगर इब्रार भाई वाइल्ड लेंस वाले जो हैं वो गए थे इंडिया टूर पर, अच्छा। और उन्होंने वहाँ पर व्लॉगिंग की और उनको बहुत प्यार मिला। और हमारे ही कुछ दोस्त इंडिया से जिन्होंने कहा कि आप उनके भी कुछ वीडियोस लाएं और देखें कि हम इंडियन जो हैं वो अपने मेहमानों को किस तरीके से, और आपको खुद एक पाकिस्तानी जो है वो दिखाएगा कि इंडिया की ब्यूटी कैसी है। बिल्कुल ठीक है। और आप हमारे व्लॉगर्स को छोड़ें, आप पाकिस्तानी जो व्लॉगर है उसका वीडियो देखिए, उसका टू बाइक टूर जो है वो लाजमी देखिए। तो केरला वाला उन्होंने बोला था कि जो उनका है ना, मतलब केरला वाला टूर, हाँ केरल वाला, वो केरला वाला वो लाजमी देखिए, करेले वाला। तो चले, इनक्रेडिबल टी प्लांट प्लांटेशन ऑन रोलिंग हिल्स इन मुनार, मुनार, अच्छा केरला, इन एपिसोड 06। अच्छा एपिसोड 6 नंबर है इनकी। ओके तो चलें जी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट फर्दर डिले। तो लेट गेट स्टार्टेड। ऐसे टी प्लांटेशन के दरमियान में से हम गुजर रहे हैं। इधर जो है वो कुछ टूरिस्ट भी आ गए हैं, एलिफेंट क्रॉसिंग। तो होपफुली हमें जो है आज एलिफेंट भी नजर आएंगे। वेरी गुड, बहुत आला है यार। शहद जी, यू हैव स्मॉल शुमर। वाओ, अच्छा पूरे बोतल इससे भी छोटी मिलेगी ना। उसमें फर्क करना थोड़ी। हाउ मच इज दिस? मीटर को कवर करने पे लगेगा वहाँ पे हैं। कल जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे तो तस्वीरों में तो लग रहा था कि बहुत खूबसूरत जगह होगी, आइडिया नहीं था कि इतनी ही होगी। लेकिन आज जब हमारी सुबह हुई है तो वाकई में ही ये जगह उतनी ही खूबसूरत है। जैसे ही हमने खिड़की से बाहर देखा, हमें ये सारी खूबसूरत जो है वो टी प्लांटेशन चारों तरफ नज़र आई है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पर सिर्फ टी प्लांटेशन नहीं, बल्कि ये जो आप दरख्त देख रहे हैं, ये दरख्त उस जगह को और इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। और आज हम चाहेंगे कि इस जगह को यहाँ से लेके मुनार तक एक्सप्लोर करें और उसके बाद आगे की तरफ जो जहाँ पे भी जा। हाय मिस्टर कार्तिकन, इसको हमेशा जो है ना वो फिक्र लगी रहती है कि इसके बाल ठीक हैं। यू लुक गुड मैन। और नाश्ते के लिए जो है, हियर इज अजीत, अजू, अर्जुन, अर्जुन, they are both from Tamil Nadu, I think. So we are right now maybe 25 kilometers is your village from Tamil. So what we will have breakfast? Appam, idiyappam, kadalakari plus egg gravy. Okay, main aapko dikhata hu ji abhi. So ye hai ji hamara breakfast. Is tarah ka maine abhi tak breakfast nahi khaya. This is also made with rice. Yeah. Okay, and this is what is this? This appam. Appam, and this is? This is idiyappam. This is? Idiyappam. Okay. And this one is? Vada. 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 We had them yesterday as well, I think. And this is egg. Aur uske andar, haan, curry inhone banayi, egg curry. Yahan pe, I think ye chane hai. Yeah, so ये है जी हमारा यहाँ पे ब्रेकफास्ट। एक्चुअली इसकी जर्मनी की नेशनलिटी है, ड्यूल नेशनलिटी है। सो हम लोग जो तैयार हैं, सब कुछ बाइक के ऊपर लगा दिया है। और आज हमारा प्लान होगा कि हम लोग केरला को खैर बात कह के आगे निकलेंगे, तमिलनाडु को क्रॉस करेंगे और पहुँचेंगे कर्नाटका में, जहाँ पे हम विजिट करेंगे, जहाँ पे हम नाइट स्टे करेंगे, वो है मैसूर। यहाँ से तकरीबन कोई 400 किलोमीटर की राइड होगी, 10 से 12 घंटे हमें जो है वो आराम से वहाँ पे पहुँचने में लग जाएंगे। रास्ते में हम मुनार से गुजरेंगे, उसके अलावा और एक दो कोई इंटरेस्टिंग स्टॉप हुए तो वो खूबसूरती वगैरह दिखा के फिर आगे निकलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानअल्लाह जिसखरलना हाजा मा कुनला मुकरिनिन व इन्ना ला रब्बिना लमुन कलेबुन। या अल्लाह पाक खैर खरीय से हमारा सफ़र गुजरे, बहुत अच्छा गुजरे, और आप सब देखने वालों का दिन भी बहुत अच्छा गुजरे। क्या खूबसूरत जगह है यार, चेक करें यार, कमाल की जगह है कि नहीं है। ऐसे टी प्लांटेशन के दरमियान में से हम गुजर रहे हैं, इधर जो है वो कुछ टूरिस्ट भी आ गए हैं। कल तक तो यहाँ पे कोई नहीं था, नहीं या वैसे काम वाले हैं अपने ही हैं ये। और मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं केरला में तो इस जगह पे स्टे करें, बिल्कुल नेचर में और सस्ता है। 3000 रुपये में आपको यहाँ पे रूम भी मिल रहा था, और क्या चाहिए।
सारे मज़े तो यहाँ पे जो है नाइट स्टे करने के हैं और सुबह इस व्यू के साथ उठने के हैं। ये पता नहीं उन्होंने साथ में जो है वो क्यों वाइट कलर जो है वो गिराया हुआ चूना या कुछ इस तरह की मार्किंग की हुई है या कीड़े मकोड़ों के लिए है। अभी यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रौनक नज़र आ रही है। तो ये आ गए हैं जी हम पुपारा में। अभी इसी टाउन से हमने गुजरना है और यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई पेट्रोल स्टेशन मिल जाएगा ना तो बेस्ट हो जाएगा, हम इधर से पेट्रोल भी डलवा लेते हैं। छोटा सा टाउन होना चाहिए, छोटा सा कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन कोई नहीं नज़र आया मुझे। क्या हो सकता है दूसरी साइड पे है, यहाँ पे किसी से पूछ भी लेते हैं, हमने कहाँ पे जाना है पूछ लेते हैं। हमें बताया गया है जी इधर बिल्कुल पास में ही एक पेट्रोल स्टेशन है तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं तो पेट्रोल डलवा के फिर वापस आएंगे। क्या खूबसूरत गांव है यार, यहाँ पे सिर्फ मुझे जो फील्ड्स नज़र आ रही हैं ना वो टी की नज़र आ रही हैं। और मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है, हिल स्टेशन है, रात को यहाँ पे 18 से 20 डिग्री के आसपास था जबकि नीचे कोची वाली साइड पे 28-29 था रात के टाइम, दिन को तो वहाँ पे 32-33 तक भी जा रहा था। ये आ गया जिस सामने इंडिया में रोड्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पेट्रोल स्टेशन बहुत अच्छा है, स्पेशली हिल एरिया में जो डीजल है वो पेट्रोल है, अच्छा वहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी अच्छा बनाया गया। सबसे पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, मार पड़ेगी इधर आगे आए तो। कैश यहाँ पे जिम में 108 इंडियन रुपीज़ का एक लीटर मिला जो कि पहले से कुछ 5 रुपये सस्ता हो गया, या हो सकता है कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट रेट्स हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। वो आप छोड़े, आप रोड चेक करें और व्यूज़ चेक करें। अभी हमारी जो तकरीबन 1.5-2 घंटे की पहली राइड होगी ना वो इसी तरह जो है हिली एरिया में से होगी, टी प्लांटेशन वाले एरिया में से। बाइकर अगर कोई जाता है, और अभी हम लोग जी ये खूबसूरत रोड लेते हुए जो है वो थोड़ा सा हाइट गेन करके ऊपर की तरफ जाएंगे, इसको कहते हैं माउंटेन गैप रोड। तो लगता है कि दो वैलीज के दरमियान जो है ये एक पास है जिसको ये रोड जो है वो क्रॉस कर रही है। तो वो जो रोड होते हैं जो मैं बात कर रहा था वो बताते हैं उस देश के बारे में आपको कि ये देश जो है वो कितना मतलब तरक्की याफ्ता है और इकोनॉमिकली वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आप देखिए कि यहाँ पर कितने हाईवेज जो हैं वो कितने साफ सुथरे, रोड कितना अच्छा हाईवे की तरह ही लग रहा है ऊपर से, और मार्किंग हर चीज बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से जो की हुई है, मतलब आपका मजा डबल हो जाता है, बिल्कुल आपका सफर भी जल्दी होता है और मजा भी। और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ड्राइव केयरफुली एलिफेंट क्रॉसिंग, तो होपफुली हमें जो है आज एलिफेंट भी नजर आएंगे, उम्मीद रखनी चाहिए। इधर उधर मैं नजर मारूंगा, अगर नजर आते हैं तो आपके साथ जो है शेयर करेंगे, खुद भी देखेंगे ऑफ कोर्स। ओह
ये एक बहुत ही कमाल का व्यू पॉइंट आया है। हम भी ना इधर मोड़ते हैं। टी प्लांटेशन है जिसकी वजह से बहुत ग्रीन है और आंखों को ना एक वो ठंडक सी महसूस होती है इसको देख के। थोड़ा सा मैं आपको जो है ना इस एरिया के बारे में भी बताता चलूँ कि इसको कहते हैं जी ये जो माउंटेन रेंज है केरला आगे तमिलनाडु फिर कर्नाटक और महाराष्ट्र तक जाती है इसे कहते हैं जी वेस्टर्न घाट्स माउंटेन। प्रोबेबली सम ऑफ दी मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन्स जो आपको देखने को मिलेंगी कोस्ट के साथ साथ से चलती हैं। कल हमने जब सफ़र किया था तो हार्डली हमको 40-50 किलोमीटर की राइड करके आए होंगे तो हम से भी छोटी मिलेगी ना सुना ना थोड़ी थोड़ी शिल्ली हाउ मच इज दिस எவ்வளவு சார் 700 ரூபாய் சார் 700 ரூபாய் 700 700 இப்படி ஒரிஜினல் மிஸ் ஆகாது இந்த பியூர் ஓ एक्चुअली हमें इतनी ज़्यादा चाहिए तो नहीं है लेकिन अब हमने उनसे तो ले ही लेते हैं। थैंक यू हाथ भी हमने साफ कर लिया। थैंक यू इसको जो है ना 700 देते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच। मेरी कोशिश होती है कि अगर लोग इस तरह जो है वो अपना सामान वगैरह बेच रहे होते हैं तो उनकी अगर हम हेल्प कर सकते हैं तो करनी चाहिए क्योंकि काफ़ी बेचारे मेहनत कर रहे होते हैं और इनसे जो है वो ज़्यादा जो है ना रेट पे पैसा दिया करें।
टू बी कंटिन्यू। अच्छा देखें कि कितना मतलब तकरीबन 17-18 मिनट का जो है व्लॉग था और फील नहीं होगा, मतलब इतनी ब्यूटीफुल जगह हम देख रहे थे कि जैसे उसमें हम गुमसुम हुए पड़े थे कि पता नहीं आगे क्या होगा, आगे क्या होगा और किस तरीके से, और इंजॉय हम इधर वीडियो को देख कर रहे थे, लेकिन जो इब्रार भाई ने किया होगा ना रियल लाइफ वहां जाके बिल्कुल। और स्पेशली आप चाहता है यार, दिल चाहता है कि यार केरला देखने का, तो बहुत दिल करता है वहां के लोगों को देखें, उनसे मिले।